इस वक्त हम मौजूद हैं परपरगंज में और जिस तरह से माहौल चल रहा है, कुछ दिन पहले, दो दिन पहले लक्ष्मीनगर में भी गोली चली, लोगों का इतना डर का माहौल है। इसी बात पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है राजेश यादव जी, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी से प्रवक्ता। उनसे हम बात करेंगे कि आखिर क्यों ये माहौल बन चुका है। कुछ लोगों का कहना है कि कांग्रेस और दिल्ली सरकार मिलकर ये करवा रहे हैं और कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ ढोंग रच रही है। सर, क्या ये सच बात है कि कांग्रेस इन दंगों में शामिल है, क्योंकि केजरीवाल जी और कांग्रेस शामिल है ऐसा बीजेपी कह रही है। बीजेपी के कितने मिनिस्टर ने बयान भी दिया है कि सारे दंगे, शाहीनबाग कांड सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ने करवाया है। देश की आजादी से लेके अब तक आप देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी ने दंगों के अलावा क्या किया है। आपने देखा होगा जब देश कांग्रेस पार्टी जब देश की या आजादी की लड़ाई लड़ रही थी, तब आपने देखा होगा ये बिल्कुल देश के हमारे खिलाफ थे और अंग्रेजों से मिले हुए थे। तो आज भी जैसे ही दिल्ली हारे बौखला गए, दिल्ली हारते ही तो बौखलाए। इनके देखिए, जो मिश्रा जी के बयान देख लीजिए, बहुत सारे लोगों के बयान देख लीजिए, उनकी रैली में से झूम जाता है जिस तरह से। आप देश की आज़ादी से लेके अब तक दिल्ली में ऐसा कभी माहौल नहीं हुआ, हिंदू मुस्लिम कभी नहीं हुआ। ये लोग जो है हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं, इसी से ये कह के इनको जो है वोट मिलेगा और ये दोबारा सत्ता में आएंगे। ऐसे ही चुनाव में सिर्फ एक टारगेट बना रखा था बीजेपी ने, शाहीनबाग, जबकि शाहीनबाग का कोई मुद्दा नहीं था। केजरीवाल और भारतीय जनता पार्टी एक ही बात है, लोगों की समझ में नहीं आ रहा है। बहुत गहरी ये बीजेपी की बी टीम के रूप में ही काम करते हैं। देखिए, वो एक दूसरे की गोद में पाले में गेंद डालते रहते हैं। वो कहेगा हम पर जो है दिल्ली का जो है गृह मंत्री हमारे अंडर नहीं आते हैं, होम मिनिस्ट्री हमारे अंडर नहीं है, तो कानून व्यवस्था है हमारे अंडर नहीं है। जो अभी ताहिर हुसैन का बात आई, आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद है, उनके घर पे जो सामान बरामद हुआ और जो दंगों में वो शामिल हुए, तो केजरीवाल जी ने ये तक भी बोला कि अगर मेरा बंदा गलत है तो मुझे हटाओ, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे मुख्यमंत्री से हटाओ। देखिए, ये सब केजरीवाल की आप चलो जितने भी पुराने बयान उठा के देख लीजिए, किसी भी बयान में आप देखिए वो कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। तो जहाँ तक आप देखिए चुनाव के बाद, कभी बहुत सारे इतने बयान पे पुराने बयानों पे दोहराऊंगा तो समय कम पड़ जाएगा। तो आप देखिए केजरीवाल की बातों में ये गुमराह करने के लिए दिल्ली को गुमराह करते हैं, और ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी के सरकार चाहे शाहीन बाग में जो परिस्थितियाँ हैं, अगर सरकार चाहे तो 5 मिनट में ख़त्म कर देगी। इतने दिन के बाद जो पीड़ित लोग हैं, जो भी आवाज़ उठा रहे हैं लोग, जो भारत सरकार का कोई नुमाइंदा गया वहाँ, उन्होंने वार्तालाप करा, मजबूरन जज साहब को, जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उनको कमेटी बनानी पड़ी। तो कमेटी, अब आप देखिए कि यहाँ अदालत काम कर रही है, सरकार नाम की चीज़ नहीं है। अगर सरकार नाम की चीज़ होती तो उनका प्रतिनिधि कोई भी सरकारी कर्मचारी, वो बड़े अधिकारी या मिनिस्टर वहाँ जाके उनसे वार्तालाप करते। आने वाले चुनाव के लिए कांग्रेस का क्या रह जाएगा? जितने भी कांग्रेस आपकी पार्टी के जितने भी लोग हैं वो आए दिन पार्टी छोड़ छोड़ के केजरीवाल जी के पास जा रहे हैं, कुछ मोदी जी के पास जा रहे हैं, तो क्या आपको लग रहा है कि आपकी पार्टी काम कर रही है? देखिए, कांग्रेस पार्टी के लिए देश प्रथम है। कांग्रेस पार्टी सदैव देश के लिए राजनीति करती है। ये आपकी बात सत्य है कि हम दिल्ली के अंदर हमारी एक भी सीट नहीं है। देखिए, हमने देश की आज़ादी की लड़ाई से लेकर आज तक कांग्रेस पार्टी ने देश के लिए काम करे, देश पहले हमारे लिए, सीट नहीं है, सीट आती हैं जाती हैं। हम देश है, देश से बड़े न कांग्रेस पार्टी है, न कोई और है, न मैं हूँ, न आप हैं, तो सबसे बड़ा हमारे लिए देश है। ट्रंप के स्वागत में 100 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने खर्च कर दिया, लेकिन उसी तरह दूसरी तरफ देखा जाए तो 150 रुपए सिलेंडर पे बढ़ा दिया। अब वही 100 करोड़ जनता से वसूला जाएगा, तो ये कहाँ की बात हुई? देखिए, ये बात ठीक कह रहे हैं आप, सत्य है। मैं कह रहा हूँ दिल्ली सरकार हो, जो इतनी बड़ी सीटें दिल्ली की जनता ने उनको चुन के दी हैं और बहुत बड़ी जो इतिहास दोबारा रचा है उनका, तो दिल्ली, मेरा केजरीवाल से यही अनुरोध है कि दिल्ली के लोगों के लिए काम करें, दिल्ली के जनता के लिए काम करें। और जो इस तरह माहौल बढ़ रहा है दिल्ली के अंदर, भाईचारे का एक मैसेज दें सरकार। देखिए, केजरीवाल के ठीक है, उनके अंदर लॉ ऑर्डर नहीं है, लेकिन अस्पताल उनके अंदर हैं। जब हिंदू मुस्लिम सब जो पीड़ित परिवार थे, लोग हॉस्पिटल के
अंदर एडमिट थे, हम खुद गए, हमारी टीम गई, सोनिया गांधी ने एक कमेटी बनाई, हम लोग अस्पताल में हम खुद स्वयं गए, सारे पुलिस के अधिकारी से लेके दोनों पीड़ित लोग थे सबके हमने जाके उनके हालचाल पूछे, उनकी व्यवस्था भी बहुत सारी कराई है, लाने ले जाने के लिए उन्होंने हमने अपने प्राइवेट वाहन भी दिए हैं उनको। तो देखिए ये किनका काम है, ये सरकार का काम है। केजरीवाल जी जो आप देखिए शांतिवन पर जाके धरने पर जो बैठ गए, ठीक है अच्छी बात है, आप धरने पर आप हॉस्पिटल जाते, लोगों की मदद करते, वहाँ लोगों की जो समस्या है उसको दूर, कोई मुख्यमंत्री हॉस्पिटल के अंदर आता है, स्वास्थ्य मंत्री हॉस्पिटल के अंदर आता है, बड़े बड़े लोग अगर आते हैं तो जो है डॉक्टर की टीम बहुत अच्छा काम कर रही थी और करते हैं, और जागरूक होते हैं लोग, जागरूक होकर लोग ये सोचते हैं कि भाई यहाँ मुख्यमंत्री आया है हमने और सेवा करनी है। तो देखिए उनको बहुत सारे लोगों को वो वहाँ से हटा भी देते, भीड़ है इतनी वो है, तो बहुत सारे लोगों का इलाज दूसरी जगह हुआ है। तो अगर मुख्यमंत्री वहाँ रहता, स्वास्थ्य मंत्री रहता, सारे लोग रहते, तो देखिए जो वहाँ हेल्थ में हेल्थ के जो लोग हैं, जो हॉस्पिटल के सारे कर्मचारी हैं, वो जागते और ज़्यादा अच्छा बेहतर काम करते। तो ये काम तो दिल्ली सरकार का था। देखिए भारत सरकार के अटेम्प्ट आए, जी है आपने कहा बहुत अच्छा कहा, सिलेंडर के रेट बढ़ गए, सारे रेट बढ़ गए, ये जनता ही पे आएंगे। आप ये देखिए जब भी इनसे बात करो, कोई भी बात करो, ये पाकिस्तान हिंदुस्तान से जोड़ देते हैं, अमेरिका हिंदुस्तान से क्यों नहीं जोड़ते, पाकिस्तान है क्या हमारे आगे, पाकिस्तान हमारे आगे क्या है, दूसरे जो देश हैं क्यों चीन से जोड़िए, हमें अपनी तुलना हमें अमेरिका से करनी है, अमेरिका हमारे लिए, हम अमेरिका उदाहरण दें कि भारत और अमेरिका का जो है वो हमें उदाहरण देना चाहिए। तो ये देखिए महंगाई बढ़ती जा रही है, आप डीजीपी देख लीजिए देश की अर्थव्यवस्था डाउन हो गई देश की, और देश देखिए बांग्लादेश जैसे छोटे से देश, देखिए एक छोटा सा देश हमारे जो एक प्रदेश है उसके मुकाबले नहीं है, तो वो लोग हमसे आगे, डीजीपी उनकी आगे चली गई। तो देखिए ये भारत को इसी तरह हिंदू मुस्लिम में बांट के राज करना चाहते हैं, विकास नाम की चीज नहीं करेंगे। ये बात बिल्कुल सच है कि महंगाई देश में बढ़ती जा रही है, और अगर बात करें केंद्र सरकार की तो अभी ट्रंप आने के बाद 100 करोड़ रुपए डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर खर्चा किया गया, लेकिन उसी के साथ साथ सिलेंडर की सब्सिडी बढ़ा दी गई। अब गरीब व्यक्ति जो है वो 150 रुपए सिलेंडर खरीदेगा, जी हाँ गौर करिएगा बात को, 150 रुपए सिलेंडर खरीदेगा, और किस तरह से अब यही पैसा जनता से वसूला जाएगा। अभी केंद्र सरकार की नाकामी है या दिल्ली सरकार की, जो दिल्ली में दंगे बढ़ते जा रहे हैं, ये बात बिल्कुल सच है। आप लोगों को मानना पड़ेगा कि दिल्ली आज खौफ में है, बार बार लोग यही सोच रहे हैं कि हम पे अटैक ना हो जाए या कुछ ना हो जाए। तो इस तरह की तमाम खबरें और जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि समाचार 24+ समय समय पर आपको हर प्रकार की जानकारी देते रहें। मैं वीडियो जर्नलिस्ट विकास कुमार झा के साथ हनी सहगल, दिल्ली।